आभूषण किसी की सुंदरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये धन शक्ति और लोगों की स्थिति का भी प्रतीक हैं। कुछ लोगों के लिए आभूषण स्वयं और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कला का एक रूप है। आमतौर पर आभूषण सोने चांदी और हीरे आदि से बने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बांस से बने आभूषणों के बारे में सुना है? ये है स्वरोजगार की शानदार कहानी। हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं था, हम घर पर ही खाली बैठे थे। स्पर्श संस्था की मदद से हमने बांस के गहने बनाने का प्रशिक्षण हासिल किया। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं बैम्बू क्राफ्ट की। रायगढ़ जिले के आदिवासी बहुल इलाके में कॉलेज जाने वाली 20 लड़कियों के बीच बांस शिल्प ने आत्मनिर्भरता की भावना पैदा की है। कोलनारा प्रखंड के चांडीली गांव की लड़कियां अपने परिवार की आर्थिक मदद करने और पैसे कमाने के लिए लॉकडाउन के बाद से ही बांस के आभूषण बना रही हैं। ये लड़कियां मां संतोषी स्वयं सहायता समूह SHG के तत्वाधान में काम करती हैं और एक गैर सरकारी संगठन स्पर्श जो कि JK पेपर मिल्स का CSR उपक्रम है के द्वारा इनके प्रयास में मदद की जाती है। हमारे क्षेत्र में बांस आसानी से उपलब्ध है। बांस से बने आभूषण पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। हम गहनों को अधिक स्वच्छ बनाते हैं ताकि उपयोगकर्ताओं को एलर्जी ना हो। स्पर्श की मदद से निफ्ट जैसे संस्थानों से पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मास्टर कारीगरों की टीम द्वारा लड़कियों को प्रशिक्षित किया गया। आभूषणों को स्वच्छ व बेहतर बनाने के लिए लड़कियां बांस को नीम सोडा और नमक में उबालती हैं, फिर इसे सुखाया जाता है। वे गहनों को अधिक स्वच्छ बनाने के लिए उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराती हैं, ताकि पहनने वालों को एलर्जी ना हो। युवतियों में चलन के अनुसार ये लड़कियां बांस के आभूषण जैसे सिर की क्लिप, चूड़ियां, झुमके, गले का हार आदि बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करती हैं। हमने इस परियोजना को शुरू किया है। हमारा उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर प्रदान करना है। प्रयोगात्मक आधार के रूप में हमने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित करने का कदम उठाया। गांवों में बांस आसानी से उपलब्ध है और हम इस प्रयास में सफल हैं। जनजातीय कला और शिल्प का बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए बाजार की मांग के अनुसार बांस से कई आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये कारीगर आभूषणों के अलावा देवी देवताओं, जानवरों और पक्षियों की मूर्तियां और सजावटी सामान बना रही हैं। त्योहारों के मौसम में बांस और अन्य गहनों से बनी राखी की मांग अधिक होती है। ग्राहकों को ये सामान किफायती दाम में भी मिल रहा है। हमने महिलाओं की आजीविका के नए अवसरों के लिए ये परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्हें निजी तौर पर प्रशिक्षण दिया गया है। अब हम इन उत्पादों के विपणन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यहाँ के कारीगरों को अपने उत्पादों का विपणन करने का अवसर मिलना चाहिए। एक उचित विपणन सुविधा उन्हें बांस के विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करेगी। स्पर्श फाउंडेशन इन वस्तुओं के लिए उचित बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। उन्हें एक विश्वसनीय आजीविका प्रदान करने के लिए और अधिक स्थानों तक पहुंचाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।